सवाल ये उठता है कि सर जीएसटी काम कैसे करेगा, जीएसटी नेगेटिव कॉन्सेप्ट पे चलेगा, जैसा सर्विस टैक्स में हुआ था नेगेटिव लिस्ट आई थी वैसे ही जीएसटी चलेगा, जब तक कोई गुड एग्जेम्प्ट या कोई सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होगी तब तक जीएसटी लगता रहेगा, जैसा कि हम सर्विस टैक्स में देखते थे नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के बाकी सब सर्विसेज पे टैक्स लगेगा एक्सेप्ट सम एग्जेम्पशंस और विच वर पॉपुलरली नोन एज मेक एग्जेम्पशंस। यही जीएसटी काम करेगा सर, हर गुड पे हर सर्विस पे जीएसटी लगेगा अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कोई डेफिनेशन है? बिल्कुल है, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 12A ऑफ द 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की डेफिनेशन। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाई है सर, एक चीज को इन्होंने उससे बाहर रख दिया। डेफिनेशन बोलती है एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस डेफिनेशन का एक सीधा सीधा मतलब हो गया कि सर एक गुड को कॉन्स्टिट्यूशनल ही जीएसटी बाहर कर दिया गया और उसका नाम है सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर एल्कोहलिक लिकर को किसी और चीज में यूज किया जा रहा है जैसे कि एंटीसेप्टिक और किसी तरह के फ्यूल में तो सर इट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। हाँ, अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दैट हैज बीन केप्ट आउटसाइड ऑफ द जीएसटी परव्यू। ये थी साहब जीएसटी की डेफिनेशन, और बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं, हमारा फेसबुक पेज है जीएसटी गुरु के नाम से, आप उसको लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जीएसटी पे अपडेटेड रखने की। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। We'll be right back.